भाई साहब वाह 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 वाह, कल से सिंघम अगेन का जब ट्रेलर रिलीज हुआ है, मुझे सो कॉल्ड सूडो इंटेलेक्चुअल पीपल दिख रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया पे इतने समझदार लोग हैं हमारे देश में, कल से ही मिल रहे हैं मुझे इनको, ऑल ऑफ ए सडन ना ऐसा लग रहा है कि भाई रोहित शेट्टी ने ब्लंडर कर दिया। अरे रोहित शेट्टी ने क्या चुतियापा कर दिया भाई, इस सबको घुसा दिया, पूरी पिक्चर दिखा दी, बड़ी बातें चल रही हैं। अबे मुझे एक बात बता दो, इतना हेट करते हो, तुम्हें सिंघम अगेन के ट्रेलर देखने से पहले क्या उम्मीद थी ये बताओ, तुम्हें क्या लग रहा था, तुम्हें तारे जमीन पे दिखेगी वहां पे या कोई आर्ट फिल्म दिखेगी क्या? रोहित शेट्टी को क्या आज पहली बार देख रहे हो क्या, रोहित शेट्टी की मूवी जो आज ही एकदम प्रकट हो गए तुम्हारे जो विचार इतने सारे अंदर से कि अरे यार क्या इलॉजिकल दिखा रहे हैं, अरे वो क्या एंट्रियां दिखा रहे हैं, वो गाड़ी घुमा रहे हैं। एक एक आदमी मुझे मिला क्या कमेंट पे लिखा, अरे एक अर्जुन कपूर को मारने के लिए यार इतने सारे बंदे लग गए। हाँ लग गए, तो लग गए, तुमने पिक्चर देखी अभी भाई? मैं तो देखो क्या ही नहीं रहा, मैंने तो कल की वीडियो में खुद कहा कि आपकी अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल मुझे रणवीर सिंह का जो करेक्टर है उतना बढ़िया नहीं लगता, मुझे ओवर द टॉप लगता है। वो दीपिका पादुकोण को भी लाए, वो भी सिमिलर काइंड ऑफ फ्लेवर में एक्टिंग कर रही है, बट दैट इज माय पर्सनल चॉइस राइट। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जिनको रणवीर सिंह का करेक्टर ओवर द टॉप वाला बढ़िया लगता हो, वो मुझे सम्मेन बोल, बट एक ऐसे हम जब अपना सेंसेस को वो आइंस्टाइन लेवल पे ले जाते हैं ना कि भाई ये हो कैसे रहा। अबे सिंघम, तुम सिंघम कब से देख रहे हो यार दोस्तों, 2010 से क्या देख रहे हो, यही तो देख रहे हो, ये जो है उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। उस बंदे ने अगर अपने ही यूनिवर्स में अपने ही ऑनर में, देखो रोहित शेट्टी की मैं एक तारीफ करता हूं, वो बंदा जो दिखाता है ना, जो दिखाना चाहता है ठीक है, और जो उसकी ऑडियंस है वो क्लियर है, वो कंफ्यूज नहीं होता कि अरे प्रेशर आ गया तो मैं अपना फॉर्मेट चेंज करूं, नहीं भाई उसने जो दिखाना है, उसने गाड़ियां अगर उड़ानी है, उसने कॉमेडी भी डालनी है, उसने ओवर द टॉप दिखाना है, उसने मास एंटरटेनर बनाना है, तो वो ही बनाएगा। और बंदा कमिटेड है, मतलब उसका कन्विक्शन दिखता है कि नहीं भाई मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तुम्हें अगर देखना है देख लो, नहीं देखना। बट यहां पे कुछ लोग शुरू हो जाते हैं, मतलब यूट्यूब चैनल्स में बड़े बड़े, अरे यार ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, इतने तुमने पूरा बॉलीवुड घुमा, पूरी पिक्चर दिखा दी। भाई तुमने पिक्चर देखी है, क्या पता पिक्चर में भी क्या हो। ठीक है 4.5 मिनट का ट्रेलर था, ट्रेलर लंबा था, और मैं एक हकीकत बता दूं तुम्हें, 4.5 मिनट का ट्रेलर लंबा बोलो मत कि लंबा था। भाई जब देख रहे थे ना, ऑनेस्टली इतिहास में ये 4.5 मिनट का ट्रेलर मैंने तो कभी देखा नहीं, फिर भी वो लगा नहीं। आप बोल सकते हो कि शॉर्ट फिल्म है, बट फिर भी वो ट्रेलर ही लग रहा था। हाँ जरूर मानता हूं कि कुछ स्टोरी के ग्लिम्सेस निकल गए, बट रोहित शेट्टी का फॉर्मेट यही रहा है दोस्तों। वो कितने इंटरव्यूज में बोल चुका है कि लोग आप जो देखने जा रहे हो ना, मैं चाहता हूं मेरी ऑडियंस ट्रेलर देख के आइडिया लगा ले कि मैं क्या देखने वाला हूं। और अब जो आपको लग रहा है ना कि यार ये कैमियो दिखा दिए वहां क्या देखेंगे, भाई वो ही है, वही उसका USP है, वो दूसरे दिमाग में चलता है, उसका ये सिस्टम है कि भाई आपको पता हो और आप वेट कर रहे हो थिएटर में पब्लिक कि अब ये आएगा। हाँ जरूर मानता हूं कि इतने सारे कैमियोस के बीच में खिचड़ी पकनी आसान है, वो बात हमने वीडियो में बोली भी, मगर उसका मतलब ये नहीं कि आप वर्डिक्ट पास कर दोगे। और सडनली इतने जो ब्रेन को हम जो 20-25% में कुछ 2-3-4% में यूज होता है ब्रेन, हम एकदम से लॉजिकल अपनी सेंसेस को वो कर देते हैं, अरे भाई अब तो क्रिटिकल हो जाएंगे हम। हमें ये सिर्फ कुछ मूवीज के लिए दिखता है हमें, और बाकी सब मूवीज के लिए कुछ नहीं दिखेगा भाई। दिस इज अ कॉमेडी मास एक्शन एंटरटेनर। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये मूवी आप देखने जाओगे, ठीक है नहीं जाना तो मतलब मत जाना, मैं वो नहीं कह रहा, बट एक बात कर रहा हूं, इसका एक एक्सपेक्टेशन सेट रहती है, तो अपने लॉजिक्स को, अपने इंटेलेक्ट को, अपनी वो सेंसेस को ना एक थोड़ा सा कंट्रोल वे में रख के पिक्चर को पिक्चर की तरह एंटरटेनर में उसमें देखना चाहिए राइट। हाँ जब पिक्चर कैसी होगी, लंबी होगी नहीं होगी, स्टोरी पता चल गई नहीं ढंग की बनाई, तो भाई वीडियो में बोलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई करेक्टर अच्छा नहीं लगा या ओवर एक्टिंग लग रही है, ठीक है वो देखेंगे जब पिक्चर आएगी, बट आने से पहले इतनी नेगेटिविटी करनी? खैर एनीवेज ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मुझे ऐसा लगता है अननेसेसरी हेट नहीं फैलाना चाहिए। एक बंदा एक प्रोडक्ट लेकर आया है, सब लोगों को इकट्ठा करके लाया है, वेट करो कि उसने बनाया क्या। इंडियन पुलिस फोर्स से कोई मैं भी बहुत ज्यादा मतलब इंप्रेस नहीं हूं रोहित शेट्टी, मैंने बहुत लोगों को कहा भाई उल्टा पुल्टा चीज बनाता है, मगर अभी ये ट्रेलर ठीक था। आप की जो एक्सपेक्टेशन है, जो आप सोचते हो कि रोहित शेट्टी इसी तरीके का प्रोडक्ट बनाएगा,
उस प्रोडक्ट, उस यॉनर में, उस सेगमेंट में अगर आपको पसंद है तो ये ट्रेलर अच्छा था, ठीक है। ये भी अगेन दिस इज माय पर्सनल चॉइस, मैं आपको अपनी ही फीलिंग शेयर कर रहा हूं। थोप नीरा जैसे कुछ मैंने देखा, लोग तो मतलब थिंकिंग ही चेंज कर रहे हैं। बट एनीवेज, मास एक्शन एंटरटेनर के रूप में देखा जाएगा कि एक नवंबर को पिक्चर कैसी आती है, क्योंकि इसके साथ भूल भुलैया 3 में भी अभी उसका भी ट्रेलर आना है, तो देखते हैं किस तरीके का क्या रहेगा। ये जो ट्रेलर लॉन्च हुआ है इससे मुझे लगता है ओपनिंग तो अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी लग सकती है। टेक केयर, बाय बाय।